तो गुड मॉर्निंग है सबको, सत श्री अकाल है और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है नए व्लॉग के साथ। और आज है बहुत शुभ दिन, दशहरे का दिन। आप सबको हैप्पी दशहरा। और अभी बस रेडी हुए हैं, रेडी होके पहले जा रहे हैं, कुछ काम है प्रीति को, सेक्टर 23 की मार्केट से सामान लेने जाना है। वो एज यूजुअल हमारा डेली मतलब एक काम होता है, जाना ही होता है। और उसके बाद घर पहुंचेंगे, घर पहुंच के प्रोग्राम बनाते हैं बच्चों के साथ कि आज कहाँ जाना है घूमने के लिए, जाना भी है या नहीं जाना वो बच्चों के ऊपर डिसाइड है। क्योंकि अब हमारा मूड नहीं चलता, बच्चों का चलता है, क्योंकि दोनों बड़े हो गए हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं। अगर वो जाएंगे तो हम जाएंगे, नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो ऐसा ही अब कुछ प्लान बनाते हैं। सोनू का कॉल भी आ गया था प्रीति को, गए तो जरूर घूमेंगे, नहीं घूमे तो आपको ऐसे ही मतलब नहीं घूमेंगे तो मतलब ऐसे ही मस्त सा व्लॉग गप्पे शप्पे करके दिखा देंगे। बाकी देखते हैं और चलते हैं अभी पहले 23 सेक्टर की ओर। और चंदन भाई साहब तो आज सुबह सुबह ही निकल गए हैं, सिर्फ मुझे गोभी का पराठा खिलाया मस्त से उन्होंने और भाग गए हैं दशहरा मनाने। वो कह रहे हैं मैं तो दशहरा मना के आऊँ। और अभी हम निकल रहे हैं, मामा जी भी हमारे गाड़ी निकाल रहे हैं, सामने में नज़र आ रही है। तो वो भी कहीं जा रहे होंगे या आ रहे होंगे पता नहीं, उनकी गाड़ी देखते हैं बैठ होते हुए। वो देखो मामा जी गाड़ी निकाल रहे हैं, ये भी कहीं दशहरा देखने जा रहे होंगे मामी के साथ। 23 सेक्टर पहुंच जाओ ना, आज दशहरे का दिन है, छुट्टी का दिन है, यहाँ तो भाई साहब पार्किंग ही नहीं मिलेगी कभी भी। यहाँ पे लगा दो पीछे। कहाँ पे जाना तूने उधर है, फिर इतना पैदल कैसे जाएगी, कष्ट नहीं हो जाएगा तुझे, थोड़ी पतली हो जाएगी फिर। फायदा क्या है, थोड़ा सा गाड़ी ढंग से लगाता हूँ तेरी सहूलत के हिसाब से, तुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। बिल्कुल दुकान के सामने जगह खाली कराई है मैंने तेरे लिए, देखिए यहाँ पे। तो भाई मैं तो गया नहीं था बट प्रीति गई थी और उसने सारा सामान बेच दिया। अभी तो मतलब आटा आया, सरफ आया और पता नहीं वहाँ क्या आया, वो आ गई देखो। अभी कुछ और लेने भी जाएगी, इसको याद आ जाएगा। हाँ हो गया सब सामान, है ब्रेड नहीं है, वो मैं कल ले लूंगी, आज का तो हो जाएगा हमारा। चलो फिर। तो भाई ये झाकियाँ जा रही हैं, पूरा जलूस कहते हैं जिसको, वो जा रहा है। तो ये अपने पास जो पालम विहार है ना, वहां पे रामलीला हो रही होगी, तो उसकी पूरी तैयारी में सब जा रहे हैं। मतलब चालू हो जाती है ना टाइम से, और फिर शाम को 7-7:30 बजे वो कहते हैं रावण का दहन होगा, पुतला जलाया जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है, राम जी ने मतलब अच्छाई पे जीत की है, बुराई की हार हुई है। तो ऐसे ही आप लोग भी अच्छे अच्छे कर्म करते रहो, जो बुरे लोग हैं वो अपने आप ही निपटते रहेंगे और अच्छाई की जीत होती रहेगी। बोलो क्या कह रहे भैया, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए छोड़ना है, कोई आंटियों के लिए छोड़ना भाई। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रावण लगा लिया करो सोसाइटी के फंड से, 24-25 साल की कोई होए तब भी ठीक है, समझ में आता है। 40-45-50 वालों के लिए छोड़ना होती है डांडिया। अरे भाई तेरे लिए प्रसाद मिला है, पार्ले जी बिस्किट का, ये क्या लगा तेरे सिर पे? ओ भाई अच्छा, मुझे लगा चोट लगी है, पकड़ इसको, ये पकड़, ये रामलीला का प्रसाद मिला, जुलूस निकल रहा था, राम जी ने दिया है भाई इसको। बोला मेरे को भूख लग रही है, फटाफट मैगी बना दे, पानी कम डाला ना है। बच्चा पार्टी को देखते हैं क्या कर रहे हैं, और ये देखो ये तो तैयार ही नहीं होते हैं। ओ भाई चलना है कि नहीं चलना? नहीं जाएगा। और तू हेलो, तो जल्दी तैयार हो ना, ऐसा करो तुम नाओ मत, ऐसी मुँह हाथ धो लो दोनों के दोनों, किए जल्दी ना ले। ठीक है, मैंने बोला था ना ये अपनी मर्जी के मालिक है, जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं। यस नहीं जाना, एक कह रहा नहीं जाना, एक कह रहा जाना है। ये देखो अबे बढ़ता को क्या कर रही है, हाँ आजकल के बच्चों को मेरे को लगता है घर से बाहर निकलने का शौक ही। ये क्या कर रही है वो, इसको भूनने लगी तो खुद ही भून ले। तो खुद ही तो भूनूंगी, तुम आके तुम्हें बैठाना है इस पे।
क्या फाइनल हुआ ये, इस बच्चे की वजह से मैं नहीं जा रहा। एक्चुअली मैं तैयार हूँ, प्रीति तैयार है, ये प्रनूर कह रही है मैंने नहीं जाना, तो इस वजह से मैं नहीं जा रहा। मैं घर पे हूँ, सोनू चला गया, अरविंदा भी चली गई, कीरत और अगम भी चला गया है। अब प्रीति और डैडी जा रहे हैं गुरुद्वारा रकाबगंज साहब मत्था टेकने, वो कह रहे दशहरे का दिन है तो हम भी गुरुद्वारे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, मैं ये इसकी वजह से घर पे बैठूंगा क्योंकि ये नहीं जा रही, तो अकेले घर पे छोड़ना नहीं, तो मैं घर पे हूँ और प्रभु घर पे, हम दोनों घर बैठेंगे रेस्ट करेंगे और कोई काम तो है नहीं। अगर ये चलती तो मैं भी चलता, हम दिल्ली दर्शन कर आते हैं, बट ये चली नहीं रही। भाई प्रीति चली गई डैडी के साथ, ड्राइंग रूम की लाइटें बंद कर दी और मेरा मन कर रहा है 15-20 मिनट की अच्छी सी नैप मारूं और मस्त सा इंजॉय करूं सपनों की दुनिया में। तो चलते हैं अपन सोते हैं, और बच्चे वो अपना कंप्यूटर पे बैठी है, पता नहीं गेम खेल रही है, ये गई नहीं इसकी वजह से मैं नहीं गया, और इसकी वजह से एक सीन और हुआ है हमारा, एक ये बदमाश भी नहीं गया तो ये भी नहीं गया। अब मैं कीरत और प्रनूर तीनों घर पे हैं जी। लो अब फिर चेंजिंग, ये घर आ गई है, डैडी घर आ गए हैं गुरुद्वारे साहब मत्था टेक के, और मैंने पूरी पिक्चर देख ली है। कौन सी देखी थी पिक्चर पंजाबी? तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, हाँ तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, तो वो पूरी पिक्चर मैंने देख ली। और ये लोग घर भी आ गए, अब मैंने दोबारा से पटका पहन लिया है और तैयार हो गए, और हम जा रहे हैं कहीं पर डिनर आउटिंग पे। ये कह रही है डोसा खाना, तो मैं कहा डोसा खाना तो अपन चलते हैं मेहरचंद मार्केट, वहाँ पे कर्नाटिक कैफे है, उससे बेटर डोसा पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, चैलेंज से कहता हूँ। इंडिया का तो पता नहीं बट दिल्ली में तो नहीं मिलेगा। और उसके बाद ये कह रही है कि 16 सेक्टर की मार्केट चलो। अब कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता, बट ये फाइनल है कि हमारा डिनर बार है, चले भाई। पता है वहाँ पे मोती नगर में शैंकी के वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे रावण लगे हुए, हम हमेशा जब भी जाते थे वहीं देखते थे, और मैं देख रही हूँ इतने अच्छे अच्छे, तूने इतना मिस किया ना, तो मैं साथ चलता मोती नगर तेरे को लेके चलती। और तेरे बड़े सारे मामे खड़े थे वहाँ पे, लगे हुए थे ढेर सारे मामे खड़े थे तेरे, चाचा ताई नहीं खड़े थे चल तैयार हो यार जल्दी चले, और तेरे को कार भी लेके दूंगा। उस दिन 3 कारें मिली थी, आज 2 कारें और मिलेंगी। बहुत मिली नहीं उस दिन 3 कारें, ये तेरे 3 दांत टूटने की खुशी में। चल जल्दी तैयार हो, बाय बाय। ठीक है किरत हम जा रहे हैं, तू घर पे अकेला रह, ठीक है। चलो हम लोग तो चले, किरत घर पे है, कह रहा मैं नहीं जा रहा, तो अभी सोनू घर आ जाएगा वो देख लेगा, अगर इसका मन करेगा तो गाड़ी में हम 12 बार आ जाए तो ठीक है, नहीं तो चलते हैं। चल प्रीति चलो भाई चलो। और ये हमारा पुत्र रोता हुआ आ रहा है, कह रहा नहीं जाना नहीं जाना, दांत नहीं है, एक तो बिना दांत के रोता अच्छा ही लगता। ओ, कालू भी देख रहा है। हाँ भाई कालू कीरत रो रहा है, चल इधर से बैठेगा उधर से बैठेगा, चल 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 चल, डैडी गाड़ी में बैठे तेरा इंतजार कर रहे हैं, चला चल बैठ। 14 सेक्टर पहुंच गए, बहुत मुश्किल से पार्किंग मिली है। चल कीरत आ, ये हमारा शेर बेटा चुप हो गया। हाँ भाई रोया क्यों था ये बता दे, ऐसे ही हम पहुंच गए 14 सेक्टर। चल भाई टॉय टॉय मिल जाएगा, चलो चल। क्या हुआ फिर, चलना नहीं आता है? टॉय थी इधर है, चलते हैं, रुक जा। गोलगप्पे खाएगा, मोमोज खाएगा, ये देखो ये ब्लैकमेलर को। हाँ भी ब्लैकमेलर क्या लेगा, ये तेरे पास है, ये ले ले लैम्बोर्गिनी ले ले, तो फिर क्या लेगा, बुकाटी लेगा, देख रहे जोन सी चाहिए, हेलीकॉप्टर ले ले, बस तेरे को गन ही चाहिए। ये पटाखे वाली है, आवाज वाली है, पटाखे वाली नहीं है। ये देखो इसको यही चीजें चाहिए होती है भाई। ओम स्वीट पे लगी है मेला, यहाँ तो मेला लगा हुआ कीरत। ओ भाई रश देखो रश, चलता चल चलता चल,
इन भाई साहब को लेके दी है उनो। मुझे आज पता चल रहा है 7+ खेल सकते हैं। है और तू 5+ भी खेलता था? मैं तो 4 साल से खेलता आ रहा हूँ। उनो को देखो कैसे देखा जा रहा है। ये दोनों उनो खेलते हैं, ये दोनों खेलते हैं। चलो तुम्हारा काम उठपटांग चीजें खाने का होता है। चलो चलो। हेलो प्रीतिश को उनो ले दी। ये देखो गुड़गांव की एमसीजी का हाल। प्रनूर को खाने डंडे वाले पोटैटो, ये मिल रहे थे डंडे वाले पोटैटो ले ले। कौन से खाने हैं? एक देना इसको भी। ये बन रहे हैं पोटैटो, मिस्टर पोटैटो। और ये देख रहे हैं दोनों बन गए प्रीति है ना। ये मसाला लगेगा और वो उसको फ्राई में डाल देंगे और तुम्हारे हाथ में दे देंगे गरम स्टिक खाने के लिए। प्रनूर ये खाएगी कैसे? मम्मी को कैसे बताएगी? तू क्या सोच रही, डंडे से खा जाएगी? लो भाई प्रनूर आ गया तेरे लिए डंडा। गरम होना है ध्यान नाल। इधर दिखाइयो प्रनूर। मैंने नहीं खाना, मैं तो देखने के लिए कह रहा हूँ। अंकल चिप्सी तो होता है ये, गर्म ना हो कि ध्यान से खाइयो। है तो अंकल चिप्सी। क्या खाना है? कलेवा पे बैठे। कलेवा कलेवा कलेजा नहीं, कलेवा पे चलते हैं, यहीं खाते हैं डोसा। कलेवा का टेस्ट ठीक है यार, यही चल रहा है। सिर्फ ला गया। चलो चलो कलेवा पे चलो, ऊपर बैठ के खाते हैं। चल देख ले जो है। एक खाना है मंगा ला दू। एक मैं ले आऊंगा, नहीं वो नहीं जाएगी कह रहे जाने, अभी ले लूंगा। इसको इतनी भूख लगी डंडा खा रही है। वो कह रहा है उसको डंडा खाना, इसको भी खिलाइयो। पर तेरे दांत तो है नहीं, कैसे खाएगा? देखो पाली पूजी को फोन करना पड़ेगा। ये आ गया प्लेन डोसा कीरत का। क्या बोलता है भाई, स्वाद लग रहा है? ये क्या डॉगी है तू क्या? देखो मोबाइल ने कितना खराब कर दिया। वो अपने मोबाइल में बिजी है, वो अपने मोबाइल में बिजी है। डैडी मतलब भटूरा आ गया, भटूरी का खा भाई भटूरी। खा के बता। डैडी के लिए उत्पम आ चुका है। और ये देखो ये पहले आलू खा के आई है, फिर इसने डोसा खाया, अब ये भटूरा खा लिया। और प्रीति क्या कह रहा है? क्या क्या तमीज? और यहाँ पे कलेवा का नाम खराब हो रहा है। ऑनर नहीं है एक्चुअल में, और सर्विस पुअर है। वो वहाँ बैठा है ना गोल मार्केट में, पैसे गिन रहा है। सर्विस अच्छी नहीं है, खाना अच्छा है। जल्दी बंद हो जाएगा। नहीं टाइम से तो बंद होने के कगार पे है ना। नहीं होगा, तुझे ज्यादा पता है। खाने में खाना अच्छा है, देख लियो। ये तो आज ओम स्वीट में ज्यादा रश था तो सब यहाँ आ गए, नहीं तो फिर तो नहीं तो ये मक्खी मारता ऊपर है ना। चार टेबल बस, अभी एक और टेबल चलेगा। बिजली कट गई भाई। अरे ये बिजली लगी है। सही में देख सबकी लाइट है वहाँ पे, बोर्ड जल रहे हैं, इनकी बिजली कट गई। इन्होंने या तो किराया नहीं दिया या बिल नहीं दिया।
तो घूम फिर के आ गए हम घर पे। आज हमने जो खाना खाया ना, बिल्कुल ही घटिया खाना था। कलेवा का बड़े शौक से गए थे कि कलेवा जा रहे हैं, पर कलेवा ने बहुत गंदा फूड खिलाया। अगर कलेवा वाले हमारा ये मैसेज सुन रहे हैं ना, तो अपनी फूड क्वालिटी और अपनी सर्विस को यहाँ सुधारो, नहीं तो गुड़गांव के अपने जो रेस्टोरेंट का शटर डाउन कर दो। सबसे बड़ी आइडिया दे रहा हूँ आपको, खाम खरेंट मत दो। कलेवा का नाम खराब कर रहे हैं। एक माना नाम था कलेवा का, बेसन के लड्डू ये वो, और फेस्टिवल सीजन पे ये हाल है। पब्लिक इतनी नाराज होकर जा रही है। चलो हम घर पे आ गए। डैडी जी को खाने को नहीं मिला भैया, डैडी को खाने को ही नहीं मिला कलेवा पे। क्यों भाई, तुमको कैसा लगा खाना? ये देखो, ये ऊनो ले आया अपनी दो। तो अपन ने आके प्रीति को बोला एक मस्त सी ना फ्रूट चाट बना दे, तो ये बना दी अपने लिए मस्त फ्रूट चाट। जो भी है इसको फ्रूट चाट पूरी मस्त बनाने आती है, जैसे वो बनाते हैं ना पूरे रेडी वाले भैया बनाते हैं, वैसी बनाती है मस्त वाली। ये मेरे पापा ने सिखाई थी। एक काम अच्छा किया था पापा ने, पापा खुद भी अच्छे थे। अगर ये नहीं, वो पापा होते ना आज तो इतना एंटरटेन होता ना आज यूट्यूब। हाँ, मजा आ जाता। मतलब फ्रूट चाट भी मस्त मिलती है उनके राज में। अरे क्या क्या मिलता, कॉमेडी तो बेशुमार। आया ऊनो और ऊनो लेके निकल लिया ऊपर। भाई आज हमारी मेड भी आई थी, और मेड पता क्या कहने आई थी, क्या कहने आई थी सुबह घंटी बजा के, तो क्या कह रही थी, मैं काम पे नहीं आएगा। और आई भी और काम पे नहीं आएगा। क्यों ऐसे क्यों बोलने आई थी? मेरे पास फोन नहीं था, आपको बताने आया। देखो क्या बात है, ऐसी मेड मिलेगी तुझे? और ये उसको कह रही तू आई एस एल पढ़ दो जा।